नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आदि पुरुष का विरोध जोरों से चल रहा है। फिल्म के बॉयकॉट को लेकर करीब 60,000 के करीब ट्वीट कर दिए गए हैं। हर तरफ से फिल्म को बहिष्कार करने की मांग चल रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ साथ रावण को भी मजाकिया अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। कई लोगों का आरोप है कि यह फिल्म जिसे रामायण से प्रेरित बताया जा रहा है, वो रामायण से प्रेरित तो नहीं है, लेकिन रामायण का इस्लामीकरण जरूर है। फिल्म के टीजर पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था, तब सबसे पहले आरोप फिल्म के VFX को लेकर लगे थे और लोगों का कहना था कि जो VFX हैं वो कार्टून की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कार्टून स्तर की फिल्म बनाई है। इस फिल्म के VFX को लेकर खूब मजाक बनाया जा रहा है। वहीं अब फिल्मकार ओम राउत ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और टीजर को लेकर उनका बयान सामने आया है। ओम राउत ने फिल्म के VFX को लेकर बयान दिए हैं। यहाँ हम उसी बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। काफ़ी सारे आरोप लगने के बाद अब डायरेक्टर ओम राउत का बयान आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ओम राउत ने फिल्म को लेकर अपने बयान सामने रखा है। ओम राउत का कहना है, मैं निश्चित रूप से निराश था लेकिन आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि फिल्म को एक बड़े माध्यम, बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है। आप इसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन तक ला नहीं सकते। यह एक ऐसा वातावरण है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। एक विकल्प के तौर पर मैं इसे YouTube पर नहीं डालता, लेकिन YouTube पर डालना भी समय की आवश्यकता है। हमें वहां डालना होता है जिससे हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आगे राउत कहते हैं कि टी सीरीज़ एक ऐसा YouTube चैनल है जिसके सब्सक्राइबर काफ़ी अधिक हैं, इसीलिए हमने उस टीजर को वहाँ दिखाया जिससे वो लोग भी सिनेमाघर की तरफ जाएँ जो अक्सर सिनेमाघर नहीं जाते हैं। उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए देखी जाने वाली फिल्म को बनाया है। इसके अलावा उनका कहना है कि ये फिल्म छोटे पर्दे या मोबाइल के लिए बनाई ही नहीं गई है, बल्कि इसे सिर्फ सिनेमाघर और बड़े पर्दे के लिए देखने के लिए बनाया गया है। इसलिए इस फिल्म को छोटे पर्दे पर देखा नहीं जा सकता। राउत का मानना है, उन्होंने फिल्म बड़े पर्दे सिनेमाघर के लिए बनाई है, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।